व्हाट्स अप गए कैसे हो आप सब सो आई होप यू ऑल आर फाइन तो हम लोग अपने प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट वाले चैप्टर पे थे एंड उसके एल वन के क्वेश्चंस कर रहे थे सो टिल नाउ हम फिफ्टीन तक कर चुके हैं अब हम करने जा रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन सो लेट्स रीड अ शॉपकीपर मार्क्स द प्राइज ऑफ एन आर्टिकल एट टू फिफ्टी रुपीज़ द कॉस्ट प्राइज इफ आफ्टर अलाउंग अ डिस्काउंट ऑफ ट्वेंटी परसेंट ही स्टिल गेंस ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन द कॉस्ट प्राइज ओके okay, तो यहाँ पर एक नया कंसेप्ट स्टार्ट होता है मार्क प्राइस का ठीक है जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कॉस्ट प्राइस क्या होता है जितने में हम खरीदते हैं ठीक है जितने में शॉपकीपर सामान खरीदता है सेलिंग प्राइस जितने में वो बेचता है एंड एक होता है मार्क प्राइस जिससे हम रिटेल प्राइस भी बोलते हैं एंड एम भी बोलते हैं जैसे आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदने पर आपने उसकी एम चेक करते हो ना दैट इज़ मार्क प्राइस जो कि उस प्रोडक्ट पर लिखी होती है ठीक है उसी पर डिस्काउंट मिलता है तो सेलिंग प्राइस पे शॉपकीपर बेचता है फॉर एग्जांपल अगर एक बुक है वो मुझे पड़ी एट्टी रुपीज़ की मैं एक शॉपकीपर हूँ मुझे एटी रुपीज़ की बुक पड़ी अब उस बुक में जो एम लिखी है वो सौ रुपये की है ठीक है एंड मैंने उस पर टेन रुपीज़ का डिस्काउंट करके मैंने किसी कस्टमर को बेच दिया तो टेन रुपीज़ का डिस्काउंट मतलब नाइन्टी रुपीज़ में मैंने उसे बेच दिया तो सेलिंग प्राइस हो गई आपकी नाइन्टी जितने में मैंने बेचा जितना उस बुक में लिखा था वो है हंड्रेड एंड कॉस्ट प्राइस है एट्टी रुपीज़ ओके okay? अब क्वेश्चन में बोला है अ शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट टू फिफ्टी रुपीज़ ठीक है तो हमें मार्क प्राइस पता है मार्क प्राइस इस रुपीज़ टू फिफ्टी ओके अब बोला है फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ आफ्टर अलाउंग अ डिस्काउंट ऑफ ट्वेंटी परसेंट ही स्टिल गेंस ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन द कॉस्ट प्राइस तो यहाँ पर बोला है कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी है एंड वो अलाउ करता है डिस्काउंट ट्वेंटी परसेंट का फिर भी उसे गेन होता है ट्वेंटी फाइव परसेंट का तो देखो ये ध्यान रखना गेन एंड प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है एंड जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा मार्क प्राइस पे निकलता है ठीक है सो मार्क प्राइस है टू फिफ्टी एंड उसने डिस्काउंट कितना दिया है ट्वेंटी परसेंट का सो डिस्काउंट इज ट्वेंटी परसेंट मतलब ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड इंटू टू फिफ्टी सो जीरो से ज़ीरो कैंसिल जीरो से ज़ीरो कैंसिल फिफ्टी रुपीज़ का उसने डिस्काउंट दिया है तो so, उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हुई मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट दैट इज़ टू हंड्रेड रुपीज़ ऑल राइट तो दो सौ रुपये में उसने बेचा अब यहाँ पर एक नया कंसेप्ट स्टार्ट होता है ठीक है अब यहाँ पर हम एस पी और सी बी की बात करेंगे एम पी की बात खत्म हो गई ठीक है सो सेलिंग प्राइस हमें मिल गई टू हंड्रेड अब उसने बोला कॉस्ट प्राइस बताओ इफ़ ही गेंस ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन द कॉस्ट प्राइस अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है ठीक है एंड उसने कितना गेन किया है ट्वेंटी फाइव परसेंट गेन हमें बता दिया ट्वेंटी फाइव परसेंट का एंड वी ऑल नो कॉस्ट प्राइज को हमेशा हम हंड्रेड परसेंट लेते हैं गेन इज ट्वेंटी फाइव परसेंट तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ सेलिंग प्राइज इज हंड्रेड परसेंट प्लस ट्वेंटी फाइव परसेंट दैट इज वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव परसेंट अब ये जो वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव परसेंट है इसकी वैल्यू हमें दे रखी है एज टू हंड्रेड रुपीज़ तो कॉस्ट प्राइज कितना हुआ कॉस्ट प्राइज इज हंड्रेड परसेंट सो जब वन ट्वेंटी फाइव परसेंट टू हंड्रेड है तो हंड्रेड परसेंट कितना हुआ टू हंड्रेड डिवाइड बाई वन ट्वेंटी फाइव इन टू हंड्रेड दैट्स एट इसे सॉल्व कर लो

आर्टिकल की इफ़ ही अलाउज़ टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ टेन परसेंट ईच ठीक है मतलब उसने तो अभी बीस परसेंट का डिस्काउंट दिया था अब इसकी जगह अगर वो मार्क प्राइस पे दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स देता है ठीक है सक्सेसिव डिस्काउंट्स आई होप आपको पता होगा जिससे नहीं पता मैं शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ देखो मार्क प्राइस तो हो गई आपकी टू फिफ्टी अब क्या डिफरेंस है बीस बीस परसेंट का डिस्काउंट देना एंड टेन परसेंट के दो सक्सेसिव डिस्काउंट देना क्या डिफरेंस है देखो बीस परसेंट का डिस्काउंट दोगे तो हम डायरेक्ट बीस परसेंट माइनस कर देंगे तो टू हंड्रेड आ जाएगा लेकिन जो सक्सेसिव डिस्काउंट होता है वो ये होता है कि जैसे मैंने टेन परसेंट इस पर दिया अब जो वैल्यू बची फिर उस पर टेन परसेंट लगाऊंगा मैं ठीक है दिस इज सक्सेसिव डिस्काउंट तो डिस्काउंट कितना है टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ टेन परसेंट तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी सेलिंग प्राइस हो गई देखो पहले टू फिफ्टी पे हमने टेन परसेंट का डिस्काउंट दिया तो मतलब इसका नाइन्टी परसेंट की इक्वल हो गई है ना सो नाइन्टी अपॉन हंड्रेड ये हो गया पहला डिस्काउंट अब हम क्या करेंगे अब जो टेन uh, परसेंट लगेगा वो टू फिफ्टी पे नहीं लगेगा वो इस वैल्यू पे लगेगा ठीक है सो फिर से डिस्काउंट होगा टेन परसेंट का तो मल्टीप्लाइड बाय नाइन्टी अपॉन हंड्रेड ये हम करेंगे सो इसे ही हम सक्सेसिव डिस्काउंट में डायरेक्टली लिख देते हैं कि टू फिफ्टी मल्टीप्लाइड बाय जितना भी हम सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं उसे हंड्रेड में से माइनस कर देंगे मतलब नाइन्टी परसेंट देन अगेन नाइन्टी परसेंट तो सक्सेसर डिस्काउंट ऐसे कैलकुलेट होता है ठीक है सो ये डबल जीरो से डबल ज़ीरो कैंसिल ये सिंगल जीरो से सिंगल ज़ीरो फ़ाइव टाइम्स टू फाइव टाइम्स फाइव एंड नाइन नाइन जर एटी वन एटी वन टाइम्स फाइव इज़ फोर हंड्रेड फाइव सो फोर हंड्रेड फाइव डिवाइडेड बाई टू दैट इज़ ये आ जाएगा टू टाइम्स टू टू टाइम्स ज़ीरो टू टाइम्स टू पॉइंट फाइव सो सेलिंग प्राइस हो गई हमारी टू हंड्रेड टू पॉइंट फाइव रुपीज़ ऑप्शन नंबर ए ना क्वेश्चन नंबर एटीन अ डजन पेयर्स ऑफ ग्लव्स कोटेड एट वन ट्वेंटी रुपीज़ आर अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ ट्वेंटी परसेंट फाइन हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ग्लव्स कैन ही बॉट फॉर सिक्सटीन रुपीज तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला है एक डजन ऑफ पेयर्स ऑफ ग्लव्स कोटेड एट वन ट्वेंटी रुपीज आर अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ ट्वेंटी परसेंट ठीक है तो यहाँ पे बोला है कि एक डजन पेयर ऑफ ग्लव्स जो है वो उसकी मार्क प्राइस है वन ट्वेंटी रुपीज़ ठीक है आर अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ ट्वेंटी परसेंट सो उसे कितने का पड़ रहा है ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट के बाद वन ट्वेंटी रुपीज़ उसका मार्क प्राइस है ठीक है लेकिन उसे मिल कितने में रहा है एज अ कस्टमर हम बात कर रहे हैं तो उसे मिल रहा है ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट पे तो मतलब एट्टी परसेंट की वैल्यू पे उसे मिल रहा है एट्टी परसेंट ऑफ वन ट्वेंटी दैट इज़ ट्वेल्व वेट्स ऑफ सेवेंटी टू ये नाइन्टी सिक्स आएगा सो उसे कितने के ग्लव्स पड़ रहे हैं नाइन्टी सिक्स रुपीज़ के अब वो बोल रहा है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ग्लव्स कैन ही बॉट फॉर सिक्सटीन रुपीज़ वो सोलह रुपये के कितने पेयर ख़रीद सकता है तो अभी वो नाइन्टी सिक्स रुपीज़ में तो एक डज़न खरीद रहा है है ना सो so, नाइन्टी सिक्स रुपीज़ में वो एक डज़न खरीद रहा है मतलब ट्वेल्व खरीद पा रहा है तो सिक्सटीन रुपीज़ में वो कितने खरीद पाएगा ट्वेल्व अपॉन नाइन्टी सिक्स इंटू सिक्सटीन सो 3 टाइम्स 4, 3 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 2, 4 टाइम्स 8 एंड 8 टाइम्स 2. सो so, वो दो खरीद पाएगा 16 रुपीस में बस इतना ही क्वेश्चन था ऑप्शन नंबर ए इज अर आंसर Now क्वेश्चन नंबर 19. फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट equivalent टू द डिस्काउंट सीरीज ऑफ 20%, 25% ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी तो यहाँ पर देखो हमें एक सिंगल डिस्काउंट बताना है जो कि इक्वल है आ, उस डिस्काउंट के जो कि एक सीरीज़ में मिल रहे हैं बीस परसेंट का ट्वेंटी फाइव परसेंट का एंड ट्वेंटी परसेंट का तो ध्यान से देखो ये जो सीरीज़ वाले डिस्काउंट है ना ये सक्सेसिव परसेंटेज ही है ठीक है कि पहले हमने बीस परसेंट का डिस्काउंट दिया फिर उसके बाद जो वैल्यू बची उस पर पच्चीस परसेंट का डिस्काउंट दिया फिर उसके बाद जो वैल्यू बची उस पर ट्वेंटी परसेंट का ट्वेंटी परसेंट का डिस्काउंट दिया तो हम क्या करते हैं हम फॉर एग्ज़ाम्पल उसका प्राइस मान लेते हैं मार्क प्राइस है हंड्रेड रुपीज़ ठीक है तो अब जब उसे पहली बार में ट्वेंटी परसेंट का डिस्काउंट मिला तो वो वैल्यू एट्टी परसेंट के इक्वल होगी है ना जैसे ये हंड्रेड परसेंट है इस पर बीस परसेंट का डिस्काउंट मिला तो एट्टी परसेंट ऑफ़ द वैल्यू होगी एट्टी परसेंट ऑफ़ दिस ये उसकी अब वैल्यू बची अब क्या होता है उसे ट्वेंटी फाइव परसेंट का और डिस्काउंट मिलता है सो so, अब ये जो वैल्यू है वो इसके सेवेंटी फ़ाइव परसेंट की इक्वल होगी है ना सिमिलरली अब ये एक वैल्यू बची अब इस पर ट्वेंटी परसेंट का डिस्काउंट लगता है तो मतलब ये वैल्यू का एट्टी परसेंट है ना इसी को सक्सेसिव परसेंटेज बोलते हैं तो अभी बार बार ये करने की ज़रूरत ना पड़े तो हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय जितना डिस्काउंट मिल रहा है उतना हंड्रेड में से माइनस करके उतना परसेंटेज मल्टीप्लाई कर देंगे सो ट्वेंटी परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है मतलब मल्टीप्लाइड बाई एटी ऑफ हंड्रेड देन ट्वेंटी फाइव का मिल रहा है मल्टीप्लाइड बाई सेवेंटी फाइव वन हंड्रेड देन ट्वेंटी परसेंट का मिल रहा है मतलब मल्टीप्लाइड बाय 80 अपॉन हंड्रेड दैट्स रेट तो जो ये वैल्यू थी जो कि सौ रुपये की 100 थी अब उसकी वैल्यू हो गई है इतनी ठीक है तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं हंड्रेड से हंड्रेड कैंसिल ये दो जीरो से ये हंड्रेड कैंसिल ट्वेंटी फाइव टाइम्स थ्री ट्वेंटी फाइव टाइम्स फोर फोर टाइम्स टू सो थ्री टू जिक्स सिक्स एट ज फोर्टी एट तो अब ध्यान से देखो कि सौ रुपये की जो वैल्यू थी अब वो इतने डिस्काउंट लगने के बाद उसकी वैल्यू हो गई फोर्टी एट रुपीज़ की तो अब हमें बताना है कि एक डिस्काउंट बताना है जो कि इन तीनों के इक्वल हो तो हम डिस्काउंट कैसे लगाएंगे भाई मार्क प्राइस थी हंड्रेड रुपीज़ की सेलिंग प्राइस मैंने फॉर ये सेलिंग प्राइस थी तो ये फोर्टी एट रुपीज़ की हो गई तो डिस्काउंट कितना लगा डिस्काउंट हो गया आपका हंड्रेड माइनस फोटी एट इतने का ही तो आपने डिस्काउंट दिया भाई सौ रुपये की वैल्यू थी आपको मिल गई फोर्टी एट रुपीज़ में तो डिस्काउंट आपको कितने का पड़ा फिफ्टी टू रुपीज़ का पड़ा है ना अभी ये फिफ्टी टू रुपीज़ का डिस्काउंट ये परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना होगा तो डिस्काउंट हो गया फिफ्टी टू अपॉन किस पे डिस्काउंट लगता है मार्क प्राइस पे अपॉन हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड सो so ये कितना हो गया फिफ्टी टू परसेंट इज यंसर ऑप्शन नंबर सी ना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द प्रिंटेड प्राइस ऑफ़ अ कैलकुलेटर इज़ टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव रुपीज़ अ रिटेलर पेज वन हंड्रेड फोर्टी एट पॉइंट फाइव रुपीज़ फॉर इट बाई गेटिंग अ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ ट्वेंटी परसेंट एंड अनदर रेट विच इज़ इलिजिबल ठीक है वॉट इज़ द सेकेंड डिस्काउंट रेट तो अब यहाँ पर बोला है एक प्रिंटेड प्राइस है कैलकुलेटर का टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव रुपीज़ ठीक है इसका मार्क प्राइस कितना है टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव रुपीज़ का ठीक है लेकिन उसको कितने का पढ़ा उसको हम पढ़ा अ uh, 148.5 रुपीस का मतलब उसे जिसने बेचा उसको मिल गया 148.5 रुपीस का रिटेलर को अब अब वो बोलता है ये उसे कैसे मिला दो सक्सेसिव डिस्काउंट से मिला एक तो उसे 20 परसेंट का मिला दूसरा का रेट उसे दिया नहीं है बस वही हमें निकालना है तो अब ध्यान से देखो सक्सेसिव परसेंट हमने अभी सीखा था कैसे निकालते हैं टू ये तो मार्क प्राइज़ है अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे जितने का डिस्काउंट मिला है उसको हंड्रेड में से माइनस करके उसका परसेंटेज लिख देंगे तो यहाँ पर ट्वेंटी परसेंट का पहला सक्सेसिव डिस्काउंट मिला है तो मतलब हंड्रेड माइनस ट्वेंटी एट्टी परसेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे अब दूसरा डिस्काउंट उस, उसे कितने का मिला है दूसरा डिस्काउंट हमें दे नहीं रखा तो मान लेते हैं कि दूसरा डिस्काउंट एक्स परसेंट का मिला था ठीक है सो हंड्रेड माइनस एक्स परसेंट का उसे डिस्काउंट मिला था तो हंड्रेड माइनस एक्स परसेंट हमने मल्टीप्लाई कर दिया जैसे यहाँ पर ट्वेंटी परसेंट का मिला था तो हंड्रेड माइनस ट्वेंटी हमने करा था जो कि एट्टी आया यहाँ पे एक्स परसेंट का मिला तो हंड्रेड माइनस एक्स कर दिया सो so बस यही सक्सेसिव डिस्काउंट जब लगाया तो इसकी वैल्यू हो गई वन हंड्रेड फोर्टी एट पॉइंट फाइव रुपीज़ की बस इसी को हमें सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है दैट्स इट सो ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा एंड ये कितना आ जाएगा हंड्रेड माइनस एक्स इज़ इक्वल टू ये वन थाउजेंड उसमें जाएगा तो वन फोर एट फाइव मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड लिख देंगे डिवाइडेड बाय अब एट एंड टू ट्वेंटी फाइव इधर आएगा टू ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाइड बाय एट सो ये कितना हो जाएगा फाइव टाइम्स फोर फाइव टाइम्स फाइव फाइव टाइम्स टू फाइव टाइम्स नाइन फाइव टाइम्स सेवन थ्री से डिवाइड कर सकते हैं थ्री टाइम्स वन थ्री टाइम्स फाइव थ्री टाइम्स नाइन थ्री टाइम्स नाइन थ्री टाइम्स फाइव थ्री टाइम्स थर्टी थ्री फाइव टाइम्स ट्वेंटी फोर टाइम्स टू फोर टाइम्स फाइव सो so, ये कितना हो जाएगा हंड्रेड माइनस एक्स इज़ इक्वल टू थर्टी थ्री इंटू फाइव कितना होता है वन सिक्सटी फाइव डिवाइडेड बाई टू तो हंड्रेड माइनस एक्स हो गया आपका टू टाइम्स एट टू टाइम्स टू पॉइंट फाइव सो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई एक्स इधर जाएगा एंड ये हो जाएगा हंड्रेड माइनस एटी टू पॉइंट फाइव दैट इज़ सेवन पॉइंट फाइव एंड वन वन सेवन पॉइंट फाइव परसेंट आ गया आपका सेकेंड वाला डिस्काउंट ठीक है एक्स की वैल्यू बस दैट्स इट यही हमसे पूछा था सो ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर सो दैट इज इट फॉर द वीडियो आई होप आपके समझ में आया होगा कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग